और अब उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। हत्या में चोरी की राइफल का हुआ था इस्तेमाल। अतीक के गुर्गों से पूछताछ में ये जानकारी मिली है। इसके साथ ही राइफल मालिक की तलाश में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि शूटर साबिर राइफल से गोलियां चला रहा था। सीसीटीवी कैमरे में साबिर की तस्वीर भी कैद हुई है। साबिर समेत 5 शूटरों पर 5 लाख का इनाम घोषित है। तो हत्या में चोरी की राइफल का इस्तेमाल हुआ था, बड़ा खुलासा हुआ है उमेश पाल हत्याकांड में। अतीक के गुर्गों से पूछताछ की गई, उसके बाद ये जानकारी मिली है। तो आपको बता दें, इन सभी शूटर्स पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। तो आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। साबिर की तस्वीर कैद हुई है। कहा जा रहा है कि राइफल चोरी की थी जिससे गोलियां चलाई गई, और इन सभी शूटर्स पर 5 लाख का इनाम भी घोषित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अतीक के एक और नौकर को एसटीएफ ने दबोचा है। कौशाम्बी का रहने वाला है शाहरुख, और शाहरुख और असद के कहने पर अरमान के भाई को पहुंचाए थे इसने 50,000 रुपए, और शाइस्ता से लेकर अरमान के भाई को उसने ये पैसे दिए थे। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में कहा जा रहा है कि नौकर भी शामिल था, तो इसका नाम शाहरुख उर्फ शाहरुख बताया जा रहा है। कौशाम्बी का रहने वाला है। कहा जा रहा है कि असद के कहने पर इसने अरमान के भाई को 50,000 पहुंचाए थे, और ये रुपए उसने शाइस्ता परवीन से लेकर अरमान को दिए थे।